नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी सोडाला में हूँ, जयपुर में, और ये सोडाला का बस स्टैंड मेन चौक, यहाँ से ये वीडियो शुरू करेंगे। और ये बैटरी वाली गाड़ी में यहाँ से स्टेशन तक जाने वाले हैं। पूरा वीडियो देखें, आपको मज़ा आएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ सोडाला में ये ऊपर एलिवेटेड रोड है जो 6-7 किलोमीटर लंबा, ऊपर आपको अजमेर रोड की तरफ से, वैशाली की तरफ से आगे जयपुर में अंदर तक लेके जाता है, आगे तक 6-7 किलोमीटर ऊपर आप जा सकते हैं। और ये नीचे सोडाला, और ये सिग्नल यहाँ का, तो यहाँ से हम शुरू करें। आइए स्टेशन तक चलेंगे आज। और ये बैटरी वाली गाड़ी में हम भाई के साथ बैठ गए। क्या नाम आपका? मनीष कुमार शर्मा के पास साथ हम बैठ गए हैं। और ये हमें यहाँ सोडाला से कहाँ तक चलेंगे? स्टेशन तक। स्टेशन का एक नंबर गेट है, स्टेशन एक नंबर गेट तक हमें, मेन जो स्टेशन है वहाँ तक ये मनीष भाई छोड़ देंगे। और ये ऊपर आप देखें, ये उधर मेट्रो दिखाई दे रहा है, और ये एलिवेटेड रोड, और उसके ऊपर यहाँ से मेट्रो आपको दिख रहा है। तो ये 2-3 मंजिला यहाँ पर रोड आपको दिखता है। और ये एम्बुलेंस च्यों करती जा रही है यहाँ से। और एक और सिग्नल आ गया यहाँ पर, ये इधर ही भी ये है एलिवेटेड रोड, और रास्ता जा रहा है आगे विधानसभा की तरफ। और ये हमारा रेलवे स्टेशन को और सिटी को जाता हुआ रास्ता। सबकी गाड़ी हिल रही है, गाड़ी चलेगी तो हिलेगी। गाड़ी थोड़ी सी हिल रही है तो वाइब्रेशन आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करें और इस वीडियो को एंजॉय करें। इधर ये गायत्री नगर, और ये एलिवेटेड रोड के नीचे हम जा रहे हैं। और ये एक और सिग्नल यहाँ आ गया, इधर ये हसनपुरा एलिवेटेड से हम इधर आ गए। बैठ जाओ, 10 रुपये खुले है ना, 5 रुपये मेरे पास, कितनी टाइम लगा जाना आपको? ये क्या आगे जो है ना, इसको कांच लगा होता है ना आगे आजकल, उस पे मैं नहीं बैठता हूँ। क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत होती है ना, ये इसलिए आपके साथ बैठा। आप समझिए ना क्या बोल रहा हूँ। ये मनीष कम बोल रहे हैं, ये सोडाला का बहुत सारी सवारियाँ इनके साथ बैठती हैं, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। ये बोलते हैं कितनी बार बोलेंगे, ज़्यादा बोलने से फ़ायदा नहीं है। हसनपुरा का पार्क यहाँ, और ये नंदीश्वर महादेव मंदिर। और भी कोई बैठता है क्या आपके पास अच्छा रिकॉर्डिंग करने के लिए? बैठा है इन दिनों में कोई? बैठा और भी कोई आपके साथ ऐसे रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठता है? कोई नहीं बैठता, नहीं बैठता। ये सोडाला से हसनपुरा का रास्ता, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जयपुर में अभी।
सफाई वालों ने हड़ताल कर रखी है शायद। आगे यहाँ टी पॉइंट से राइट में जाएंगे तो रेलवे स्टेशन, लेफ्ट में जाएंगे वैशाली नगर, जोटवाड़ा, कालवा रोड। ये टी पॉइंट आ गया सब्जी मंडी का। और ये हसनपुरा का इधर एनबीसी कंपनी, और ये हसनपुरा मेन स्टेशन रोड। सोडाला से अभी असलपुरा में एंट्री कर गए और ये हाईवे स्टेशन को जाता हुआ। एनबीसी नेशनल इंजीनियरिंग बेयरिंग कंपनी, सीके बिरला ग्रुप, काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसने बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रखा है। चांदपोल तक नहीं जाओगे का? स्टेशन तक जाते बस? आप जाओगे तो? नहीं नहीं मैं तो कहाँ जाऊँगा अभी, आप नहीं जाओगे तो मैं कैसे जाऊँगा? चलेंगे तुम लोग, पैसे दिया जाओ चलते रहेंगे। ऐसा क्या पैसे दिया जाओ बोल रहे हैं भाई, मनीष शर्मा जी बोल रहे हैं पैसे दिए जाओ हम चलते रहेंगे। ये आग बुझाने वाली गाड़ी जा रही है शायद, कहीं आग लगी है। मनीष भाई कितना पैसा चाहिए आपको बताओ, देता हूँ आपको पैसा। हैं हाँ चलोगे आप? जहाँ आप छोड़ दोगे, मैंने आपको बताया ना जहाँ आप छोड़ दोगे। अभी तो मेरा टारगेट स्टेशन का, यानी स्टेशन जाऊँगा। ये मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है स्टेशन तक का, तो ये वीडियो स्टेशन तक का है, सोडाला से स्टेशन तक। सोडाला से हमने शुरू किया आपके साथ और रेलवे स्टेशन तक जाके इसको एंड करेंगे, उसके बाद दूसरा वीडियो बनेगा और घूमेंगे। पूरा जयपुर घूमना है ना हमें, तो एक ही जगह थोड़ी घूमना है। मैं तो घूम रहा हूँ मनीष, पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ, खाली जयपुर नहीं घूम रहा, पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ। और जो देखता हूँ यहाँ से रेलवे स्टेशन के लगते हैं बड़ी चौपड़ के ₹100। कहाँ से? रेलवे स्टेशन से बड़ी चौपड़ के। रेलवे स्टेशन से बड़ी चौपड़ के ₹100। अच्छा अच्छा मैं तो क्या आपको बताया ना, पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ, पूरे भारत को मैं घूमता हूँ, जहाँ जाता हूँ जो देखता हूँ उसको रिकॉर्ड करता हूँ और उसको यूट्यूब के मेरे जो साथी हैं जुड़े हुए उनको दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग जो है नए जुड़ रहे हैं, बहुत सारे पुराने जो साथी जो देखते हैं वो देखते हैं कहाँ क्या है, कोई घर में बैठा है, कोई ऑफिस में है, कुछ नहीं घूम सकते, उनका शौक है देखने का, देख लेते हैं। और ये सीधा सीधा स्टेशन जाएगा, और यदि लेफ्ट में जाते हैं तो सिविल लाइन और ये सब आगे से आ जाता है। रास्ते सब जान दो आप हैं? रास्ते ना? हाँ रास्ते तो जानने पड़ेंगे ना, रास्ते नहीं जानेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बताएंगे क्या, हमें बताना पड़ेगा ना इसमें। और ये सिग्नल से सीधा निकलेंगे तो आगे रेलवे स्टेशन का ब्रिज आ जाएगा, रेलवे मेट्रो आ जाएगा, स्टेशन मेट्रो जो है। और रेलवे स्टेशन हसनपुरा का गेट आ जाएगा, हम ब्रिज के ऊपर से जाएंगे आगे क्रॉस करके हमें, क्योंकि मेन जंक्शन पर जाना है, मेन एक नंबर पे जाना है। तो ये हमें मनीष भाई एक नंबर गेट पे छोड़ेंगे। ये इधर दो नंबर गेट है हसनपुरा साइड में, आप देखें तो इधर
जो अभी काम चल रहा है कुछ, तो ये बंद किया हुआ है। आगे 3 नंबर बनाया, वो जो फाटक वाली मस्जिद है ना, ये यहाँ बना दिया क्या? अच्छा, ये गेट नंबर 2 यहाँ दूसरा बन गया है यहाँ पे। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, उधर काम चल रहा है और इसके साथ में ही हो रही है रेलवे स्टेशन। ये रेल जा रही है देखिए आप, और ये जयपुर जंक्शन, और ये सामने रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन है रेलवे का। जयपुर में जो मेट्रो चल रही है उसका ये रेलवे स्टेशन का स्टेशन बना हुआ। और ये स्टेशन के पास में बहुत सारे होटल, इधर भी होटल, और ये नीचे जैन मंदिर। और ये यहाँ ITC होटल राजपूताना लग्जरी होटल है, ITC राजपूताना। ये यहाँ बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बना के छोड़ दी, काम इसका काफ़ी सालों से रुका हुआ है। और ये सामने ब्रिज आ गया, मेट्रो ऊपर है और नीचे खासा कोठी ब्रिज, जो आपको स्टेशन से सिंधी कैंप बस स्टैंड को मिला था। इधर सिंधी कैंप बस स्टैंड रह गया और इधर हमारा स्टेशन रह गया। इस ब्रिज से हम बस स्टैंड तक जा सकते हैं स्टेशन से, और बस स्टैंड से स्टेशन आ सकते हैं। अभी ये मनीष जी के साथ में कुछ डील हम करेंगे, मनीष जी बोले आपके साथ हम काम करेंगे, तो ये वीडियो यहाँ एंड करेंगे स्टेशन पे। फिर इनसे जो भी है आगे का जो डिस्कस करेंगे, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये हमारे लिए काम, ये बोलते हैं मैं आपके लिए काम करूँगा, तो देखते हैं आगे चलूँगा। ये सामने आपके ये चौक और ये यहाँ का भीड़, और ये बहुत सारी दुकानें यहाँ आप देखें, और ये यहाँ भाई जोधपुर वाले जो हैं सोडा सिकंजी बेच रहे हैं, नींबू सिकंजी, नींबू सोडा, पुदीना है। ये इसी स्टेशन के बाहर ये बैटरी वाली गाड़ी से हम यहाँ तक पहुँचे, और ये स्टेशन के सामने पूरा हिसाब किताब देखें आप, ये दुकानें यहाँ की, और वो सामने की तरफ भी बहुत सारी दुकानें, होटल अरेन बसेरा, ये देखें आप, ये इधर होटल। और ये यहाँ रेलवे स्टेशन के सामने एक सर्किल बना हुआ, और सामने मेट्रो जहाँ से अभी हम उसके नीचे से निकल के आए हैं, और ये इसका जयपुर जंक्शन का मेन एंट्री पॉइंट, यहाँ से आप एंट्री लेते हैं अंदर। और ये स्टेशन के अंदर आते ही इधर टिकट खिड़की है, अंदर ये टिकट घर है इतना बड़ा, और ये सामने जयपुर जंक्शन का। ये जयपुर जंक्शन, तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।